कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो अभी जैसा कि सुबह सुबह का टाइम है, लाइट जो है ना चली गई है और आप लोगों को पता है हमारा जो है ना फ्रिज बिल्कुल ही हो चुका है ख़राब। तो फ्रिज में जो गोश्त है उसको जो है ना बना के हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो दूसरा दिन है गोश्त का सालन बन रहा था, तो मैंने कहा आज जो है ना हम बना लेते हैं पुलाव। चावलों का जो है ना पानी मेरा खोल चुका है, तो अभी हम चलते हैं चावल वगैरह बनाते हैं और आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। ये रहे चावल, चावल हमने लिए हैं दो, पानी इधर खोल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चावल जो है ना डाल दिए, अभी बस पानी वगैरह खुश करते हैं। और बारिशों की वजह से जो है ना हरा धनिया बिल्कुल ही छाट हुआ पड़ा है, हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। कल भी मसाला लिया था, पुदीना दिया है और आज भी मेरे ख्याल में हरा धनिया नहीं है। तो अभी जो है ना चावलों में मैंने पुदीना डाला है, हरा धनिया बिल्कुल ही नहीं है। कल सुबह के टाइम भी पता किया था और दोपहर में जब मैं काम पर गई थी तब भी पता करवाया था बाजी ने, तब भी हरा धनिया नहीं था, तो उन्होंने भी पुदीना डाला सालन में। सलाम करो आराम आराम कीजिए। तबीयत सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसके हाथ पे जो है ना दाने काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हो चुके हैं और सुबह से रोए जा रहा है, कह रहा है मेरे हाथ में जो है ना दाने हैं। तो मैं आप लोगों को इसके हाथ के दाने दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखें ये हो गया और इधर भी बने हुए हैं और इस वाले हाथ पे देखें, ये देखें बेचारे को बहुत ज़्यादा दर्द है और सूजन भी आ चुकी है हाथ पे। और कराची में काफ़ी ज़्यादा बारिशें बताई हैं और हमारे कमरे की छत भी बिल्कुल टपक रही है, किचन की छत भी टपक रही है और वॉशरूम की छत भी टपक रही है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। रात को सो रहे होते हैं तो ऊपर से छत टपकना शुरू हो जाती है और कमरे के अंदर भी आप लोगों को पता है हमारा कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे है, तो कमरे के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारा नुकसान हो जाता है। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी जो है ना हल करे। बस अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, इस वजह से हमारा घर वगैरह फ़िलहाल नहीं बन रहा और हमारे पड़ोस में जितने भी घर हैं ना जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना सबके घर जो है ना टूट के बन चुके हैं, लेकिन हमारा घर अब तक वहीं पर है। इंशाल्लाह कभी हमारा घर भी बनेगा, बस अल्लाह ताला से उम्मीद तो हमने लगाई हुई है। अभी दिखाती हूँ आसिफ के आप लोगों को पौधे जो कि हम लोगों ने घर पे खुद से ही काश्त किए हुए हैं, हम लोगों ने ये नर्सरी से नहीं ख़रीदे। ये जो है ना इमली का पौधा है, जब हम कराची यूनिवर्सिटी गए थे ना वहाँ से इमली मेरे ख्याल में लेके आए थे, वही है ना। हाँ जो खाई थी फिर भी जिसके अंदर डाला, ये इमली हुई खड़ी है और ये इधर नीम का पौधा है और ये एलोवेरा का है और ये जो है ना बड़ा सा पपीते का पौधा है। ये बिल्कुल ही छोटा था, अब लग रहा है बड़ा हो जाए। गमला काफ़ी ज़्यादा ये छोटा है, सिर्फ गमला बड़ा हो ना फिर मज़ा आ जाए। गमला लाएं बड़ा। मैं उधर बैठ गई हूँ और चावलों का ख्याल ही नहीं आया। यकीन माने फ्रिज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी बारिशें वगैरह चल रही हैं, हॉप्स घुटन, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस क्या बताएं। गर्मी जो है ना बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। पहले फ्रिज होता था, ठंडा पानी जो है ना पी लेते थे, अब जो है ना बर्फ़ कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से गर्म पानी पीना पड़ता है। कैसे दोस्तों, ठीक हो? चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। भी मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे भूख लगी हुई है, अभी चावल बन रहे हैं। कहते हैं सालन है या नहीं, मैंने कहा नहीं सालन नहीं है, चावलों वाला जो क्या कहते हैं पानी डाला था ना उसको निकाल के ये खा रहा था, तो मैंने कहा नहीं इसको रहने दो, अभी बस 10-15 मिनट लगेंगे पानी खोल जाए चावल डालते हैं, बस दम पे हैं 5-10 मिनट तक बन जाएंगे, फिर खा के काम पे चले जाना। तो अभी जो है ना हम यहाँ पे धो रहे हैं कपड़े, सारे काम मैंने कर लिए, बर्तन वगैरह भी धो लिया मैंने सुबह सुबह उठ के, टैंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं था तो मोटर वगैरह चलाई थी, पानी वगैरह भरा था तो काफ़ी हद तक जो है ना पानी इस्तेमाल हो चुका है। तो अब जब लाइट आएगी फिर दोबारा से जो है ना मोटर वगैरह चला के पानी वगैरह भरेंगे, क्योंकि हमारी टैंकी जो है ना छोटी है तो बहुत जल्दी जो है ना खाली हो जाती है। धो ली है तो अभी कपड़ों को हम डाल देते हैं सूखने।
एकदम इसको और जाना लगेगा। इधर दिखाओ, ये देखें चावल अभी यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ता वगैरह हम लोग कर लें, आगे मजीद भी बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है, तो आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में जो है ना बरकत दे, अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती वाली जिंदगी दे। मेरे प्यारे बहन भाई, कल मेरी जिगर की दवा जो है ना खत्म हो गई थी और मैंने उस आदमी को कॉल की थी कि मैंने कहा मेरी जिगर की दवाई चाहिए, टैबलेट जो देता है, उसने कहा टैबलेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो जो है ना नहीं मिल रही। तो मैंने कहा भाई जान कोशिश करें, मेरी तो आज लास्ट चीज़ मैंने कल खा ली थी। तो कहने लगा भाई जी रात के 9 बजे के बाद जो है ना आप फ़ोन करना। उस टाइम पे आप लोगों के साथ व्लॉग में भी रात को शेयर किया था, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो मैं जो है ना फिर सो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद आ गई थी, मगर सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल ही। तो आज मैंने जल्दी जल्दी काम वगैरह ख़त्म करके मैंने कहा फिर जाता हूँ, एक और मेडिकल स्टोर बताया था वहाँ जाके पता करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ जाके मुझे वो दवाई मिलेगी। मैंने कहा फिर दोबारा इसी से जो है ना रब्ता करके मालूम कर लेता हूँ कि भाई जान से जो है ना दवाई वगैरह मिलती है या नहीं। मैंने उससे रब्ता किया तकरीबन 1:30 बजे, तो उसने कहा भाई आपको एक डब्बा जो है ना मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भाई जान जल्दी आप एक डब्बा मुझे दे दें क्योंकि मुझे खानी है। उसने कहा फिर शाम को देना, उसकी चैट भी पड़ी है, अभी मेरा मोबाइल जो है ना चार्ज हो रहा है। तो ये डब्बा उसने मुझे दिया है, इसमें से जो है ना एक टैबलेट मैंने खाई है, तो ये देखें एक इसमें से टैबलेट खाई है और ये 30 दिन की दवाई है, महीने की, ये महीने के पूरे हैं। और ये जो है ना 2200 रुपये की दवाई मिलती थी, अब उन्होंने 100 जो है ना मज़ीद बढ़ा दिया किराए के साथ, जो है ना ये जो है ना 2400 रुपये की जाके पड़ी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है, मैं काफ़ी इसके लिए टेंशन में था, मैंने कहा मिलती है नहीं मिलती वरना मेरा जो है ना कोर्स वगैरह टूट जाएगा। अब 9 तारीख को जो है ना डॉक्टर साहब को भी दिखाना है और डॉक्टर साहब फैसला करेंगे कि वैसे तो एक डॉक्टर ने मुझे 5 साल जिस जहाँ से स्टार्ट किया था उसने कहा था कि 5 साल जो है ना आपको ये दवाई जो है ना खानी है। तो अभी इधर दिखा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा तो टेस्ट वगैरह मुझे प्राइवेट लिख के देगा, तो उससे मेरे काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो कुछ मैंने हकीम साहब की दवाई भी खाई है, अब थोड़ा खाने का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो आप लोग ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मैं इसी तरह हमेशा टेस्ट जो है ना बरकरार रखे, जो मेरा टेस्ट जो है ना चला गया था खाने का। और फ्रिज आज जो है ना मुकम्मल सफाई की है और उसकी जगह जो है ना यहाँ से चेंज की है और उसको साफ़ सुथरा किया है। तो एक भाई जान को कॉल किया कि भाई हमारा फ्रिज वगैरह बना दो, तो उसने बोला तकरीबन एक तरफ का किराया जो है ना कम से कम जो है ना 2000 रुपये लगेगा, ले जाएगा वापसी पे भी 2000-4000, वो पता नहीं बनने में कितना पैसा खर्च होता है। तो अभी चलते हैं अंदर, चल के आप भाई बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना पंखा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, हफ्स हो रही है, इस कमरे के अंदर जो है ना भूख हो रही है गोश्त की वजह से जी। तो फ्रिज देखें ये आ गया है और फ्रिज जो है ना उस साइड पे यहाँ पे खड़ा हुआ था। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है फ्रिज उस तरफ खड़ा करें या इस तरफ आपको पता है विंडो भी है और हवा जो है ना ये रुकी हुई थी यहाँ कमरे में लगने के लिए। वैसे जैसे फ्रिज उस तरफ गया है तो ऐसा लग रहा है हमारा कमरा जो है ना बड़ा हो गया, और जैसे बारिशें होती हैं यहाँ की किस खोल के आदमी यहाँ चारपाई डाल के सो जाता है, हल्की हल्की हवा भी लगती है। तो अब इसके लिए मेरा दिल चाह रहा है कि अगर फ्रिज बंद किया तो उस तरफ इसको सेटिंग करेंगे, लेकिन आप बहन भाइयों से भी जरूर जो है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसको उसी तरफ सही है या इस तरफ सही है फ्रिज। तो इसको थोड़ा आगे टेढ़ा थोड़ा इसको सीधा करते हैं, बेटा अभी संदूक आपने हटा ही नहीं, संदूक उस तरफ कर लेते हैं तो फ्रिज पूरा इधर कर लेते क्योंकि चार पाई लाने और रखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जैसे बारिश होती है ना मुसीबत होगी 1000 रुपये को थर्ड फिर इसके अंदर लगेगी। आप देखो वो कल आता है तो फिर देखो दुआ करो कि ये फ्रिज बन जाए, वरना आपको पता है हमारे अंदर खरीदने की फुर्सत तो नहीं है। अभी आपको पता है गोश्त भी अभी वो देखता भर के जो है ना बल रहा है, हमने बोला चलो 1-2 महीने खाएंगे सुकून से, खाली खाली पड़ा हुआ नीचे भी खाली आराम के ट्विटर वगैरह पड़े। अच्छा जी
थोड़े से कमेंट थे कि जिसको जो है ना जिगर का प्रॉब्लम होता है वो बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। तो प्यारे बहन भाइयों, अपनी विल पावर से इंसान चलता है। खुद से इंसान कमजोर हो जाए ना तो उसको मामूली से मामूली बीमारी भी चलने नहीं देती। मेरे को 2010 में हेपेटाइटिस बी सी का मेरा इलाज चल रहा था, उस टाइम पे मेरा लीवर भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, तो उस टाइम पे भी मैं काम करता था, मैं नहीं बैठा था। अब तो खाली बी का मसला है, उस टाइम पे भी नहीं बैठा था, क्योंकि मैं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे जो है ना खाना खाएंगे, अगर मैं नहीं कमा के लाया तो इनको कोई कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। जाहिर है मेरी बीवी भी करती है, कुछ मेरी बेटी भी करती है, लेकिन मर्द की कमाई में जो होती है ना वो ज्यादा बरकत होती है, सबसे ज्यादा। तो इंसान को जो है ना अपनी जो है ना विल पावर को जो है ना बरकरार रखना चाहिए। अब हाँ, मेरा यानी के अभी जो कोरोना आया था, कोरोना मुझे हुई है उसके बाद जो है ना मेरे साथ काफी मसले जो है ना बिगड़ गए हैं, और उस दिन के बाद जो है ना जैसे मैंने कोरोना का इंजेक्शन वगैरह लगाया, कोरोना हुई उसके बाद अब मैं बहुत ज्यादा वीक रहता हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। वरना मैं जो है ना ऐसे काम करता था ना, ऐसे 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 जादू की छड़ी की तरह। मेरे मालिक कहते थे सिर्फ आते हो और आप शक्ल दिखा के चले जाते हो, ऐसा उछल उछल के काम करता था। अब तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती है, बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ बेटा मुझे पानी भी बिस्तर पे ला के दे दो, हाँ उठ नहीं सकता। तो ये मामला है। तो इंसान को जो है ना, मेरी यही आपने आप प्यारे बहन भाई से यही गुजारिश है कि अपनी हिम्मत और अपनी पावर को जो है ना बरकरार। तो इंसान हिम्मत हार गया तो वो इस दुनिया से गया। मैंने ऐसे ही 14 साल बीमारी में जो है ना, अभी 24 चल रहा है, 2010 से यानी कि 2010 से 2010 14 साल हो गए, यानी कि ऐसे ही हिम्मत चल रहा। सही है, इधर से थोड़ा अंदर करे। बस सही है, सही है। तो अपने प्यार भाई, प्यारे बहन भाई, क्योंकि मुझे बोलते रहना जबान मेरी बहुत ही ज्यादा फिसलती है, पता नहीं दवाइयों का मसला है या वैसे वीकनेस है। तो अपने प्यारे बहन भाई से चाहूंगा इजाजत, कल मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।